हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटीएम है यहाँ पर जाके मेरे वीडियोज को आप देख सकते हैं। इसमें बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने सॉल्वेबल फॉर पी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, तो वो भी आप आईटी पे जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पे जो एक कंसेप्ट है ये बड़ा इजी है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर सॉल्वेबल फॉर पी है या सॉल्वेबल फॉर एक्स है या सॉल्वेबल फॉर वाई है या क्लोरेंट फॉर्म है। तो इसमें वन बाय वन आपको यहां पर बता रहा हूं, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्वेबल फॉर एक्स कैसे पता चलेगा और कैसे हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहां पर इस टाइप की है और अगर x इज इक्वल टू y और p की फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, तो हम यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये सॉल्वेबल फॉर x होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y। और हम जानते हैं dy by dx p होता है, तो dx by dy 1 upon p हो जाएगा। फिर यहां से हम फैक्टर करेंगे और यहां से हम p की वैल्यू निकालेंगे और इस p की वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और उससे समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, अब आप बोलोगे सर ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है या फिर वाई, कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि एक्स एक बार आ रहा है ना और वाई दो बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये एक्स एक बार आ, तो एक्स इज इक्वल टू हम यहां पर वाई और पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार इसलिए हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेबल फॉर एक्स होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सुन मैं इसको लिखता हूं यहां पर, तो टू पी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस y स्क्वायर p क्यूब हो जाएगा, राइट। हम यहां पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू y अपॉन 2p माइनस ये आएगा हमारे पास y स्क्वायर p क्यूब अपॉन 2p हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन मतलब y अपॉन यहां पे 2p हो जाएगा माइनस ये आएगा y स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सो ये आएगा हमारे पास dx एक्स बाय डी वाई, यहाँ पे y है और ये p इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका भी होगा क्योंकि डेरिवेटिव है ये। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम y का करेंगे तो 1 अपॉन 2p आ जाएगा एंड y का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, y को छोड़ा और p का किया, तो स्टूडेंट 1 अपॉन p का होगा माइनस का 1 अपॉन 2p स्क्वायर और p का होगा डी पी बाय डी वाई, राइट। एंड नाउ अब इसका करेंगे सुन यहाँ पे और विथ रेस्पेक्ट टू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन वाई के रस्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका करेंगे तो ये आएगा हमारे पास टू वाई पी स्क्वायर अपॉन टू, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो टू पी अपॉन टू डी पी बाय डी वाई, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसमें अब क्या करेंगे, हम जानते हैं डी एक्स बाय डी वाई को हम वन अपॉन पी लिख सकते हैं, ये आएगा वन अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पी। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है, यह आएगा वन अपॉन टू पी स्क्वायर डी पी बाय डी वाई, इस यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का वाई पी स्क्वायर, इस यहाँ से भी टू से टू कैंसिल हो रहा है तो माइनस का वाई स्क्वायर पी डी पी बाय डी वाई, राइट। इस ये वाली टर्म को उधर लेके जाइए तो ये वन अपॉन टू पी है और ये उधर जाके आएगा माइनस का वन अपॉन पी और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन टू पी बच जाएगा। सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी टर्म को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। तो सुनिए आएगा वन अपॉन टू पी इधर आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वन अपॉन टू पी, देन ये वाली टर्म तीनों माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले वाई पी स्क्वायर को लेके आता हूँ, ये होगा मैं इस टर्म को इधर लेके आया और ये जो dp बाय dy की टर्म है इन दोनों को उधर लेता हूँ। सो सुन ये वाले टर्म भी इधर लेके आएंगे तो ये आएगा हमारे पास y अपॉन टू पी स्क्वायर dp बाय dy एंड ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा y स्क्वायर p dp बाय dy इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करिए, ये तो हमारे पास एज इट इज टर्म बन जाएगी तो 2p प्लस y p स्क्वायर। इसमें यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे कॉमन निकालते हैं हम लोग, क्या कॉमन निकालें, इसमें मैं काम करता हूँ y कॉमन निकालता हूँ अपॉन p कॉमन निकालता हूँ, राइट। एंड एक हमारे पास dp बाय dy भी कॉमन आ रहा है तो सुन dp बाय dy को पीछे की तरफ कॉमन निकाल देंगे, चलो ठीक है चलेगा, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन 2p प्लस, सुन यहाँ पे हमने y तो कॉमन निकाल दिया, अपॉन p कॉमन निकाला तो चूंकि हमारे पास p निकाला तो ये y p स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड dp बाय dy को मैंने बैक साइड में कॉमन निकाल दिया, है ना, इज इक्वल टू जीरो। इसमें आप देख रहे हो ये दोनों एक जैसा है तो ये आएगा 1 अपॉन 2p प्लस वाई पी स्क्वायर आ जाएगा एंड इसमें जब इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा
और ये बचेगा वाई बाय पी डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो के बराबर होगा या फिर ये जीरो के बराबर। तो सुन, आपको जो डेरिवेटिव वाला फैक्टर है उसको जीरो के बराबर रखना है। आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं रखेंगे, अगर आपने इसको जीरो रखा तो यहां पे पी की वैल्यू तो आ जाएगी पर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे इन दोनों को जीरो पुट करके पी की वैल्यू निकालेंगे और वो पी की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, राइट। तो सुन, हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें एक कॉन्स्टेंट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है, तो हमारे पास कम से कम एक कॉन्स्टेंट तो आना ही चाहिए। जब आप ये रखोगे तो यहां पे हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको रखेंगे। तो सुन, आएगा वन प्लस वाई बाय पी डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सुन, यहां पे क्या करें आप अलग अलग रख दीजिए, तो डी पी बाय डी वाई, पहली बात तो मैं उसको उधर लेके जाता हूं, तो ये आएगा हमारे पास वाई बाय पी डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वन। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुन डी पी बाई वी इज इक्वल टू माइनस का डी वाई बाय वाई, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे इसको लॉग सी ले लीजिए आप, राइट। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लॉग पी इज इक्वल टू माइनस का लॉग वाई प्लस का लॉग सी, सुन ये माइनस का वाई है तो ये नीचे चला जाएगा, तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास सी बाय वाई, सुन लॉग से लॉग हट जाएगा, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी बाय वाई, राइट। इसमें ये पी की वैल्यू उठा के आपको क्या रखना है इस क्वेश्चन में रख देना है यहाँ पे। तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे पी की वैल्यू आ रही है हमारे पास सी बाय वाई एक्स प्लस इसमें ये वाई स्क्वायर तो एज इट इज है, और यहाँ पे पी क्यूब की वैल्यू आएगी मतलब सी बाय वाई का होल क्यूब आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2cx अपॉन y, इसमें ये y क्यूब और ये y स्क्वायर तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये y बच जाएगा, तो सुनिए आएगा हमारे पास c क्यूब अपॉन y। सो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, सुन y को इधर ले लीजिए आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस c क्यूब इज द करेक्ट आंसर। यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास x एक बार आ रहा है, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास ये, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 4xyp इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 8y स्क्वायर। इसमें यहाँ पे क्या करिए y x को इधर रहने दीजिए, इसमें x को इधर रहने देंगे और इसको 4yp को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पी क्यू 4yp प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 4yp हो जाएगा। इसमें जब x इज इक्वल टू यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 4y आ जाएगा, एंड यहाँ आएगा हमारे पास ये वाई से वाई डिवाइड होगा 4 से, तो ये सुनिए आएगा 2y अपॉन p आ जाएगा, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे सुन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, है ना, क्या करेंगे सुन, डिफरेंशिएट है ना विथ रेस्पेक्ट टू y, राइट। और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सुन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा dx एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं p स्क्वायर का, तो ये आएगा हमारे पास 2p अपॉन 4y, है ना, और ये आएगा हमारे पास डी पी बाय डी वाई, क्लियर है। एंड पी स्क्वायर को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो 1 अपॉन वाई का होगा माइनस का 4 बाय, तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया ऑलरेडी। इसी टाइप से आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम वाई का करते हैं तो ये आएगा 2 बाय पी, एंड अब वाई को छोड़ा हमने यहाँ पे, एंड इसका करेंगे तो 1 अपॉन पी का होगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये होगा डी पी बाय डी वाई, राइट। अब आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू होगी 1 बाय पी, राइट, एंड इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा p अपॉन 2y डी पी बाय डी वाई, एंड यहाँ पे आएगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, इसमें ये आएगा हमारे पास 2 बाय पी, एंड यहाँ आएगा माइनस का 2y अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाय डी वाई, राइट। इसमें ये 1 बाय पी को उधर ले लेते हैं, राइट, तो 1 बाय पी को उधर लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 बाय पी बचेगा, बिकॉज 1 बाय पी से 2 बाय पी गया तो 1 बाय पी, एंड ये टर्म को एक साथ ले लीजिए, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, राइट। एंड ये दोनों टर्म को मैं एक साथ ले लेता हूं, तो सुन ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, p अपॉन 2y डी पी बाय डी वाई माइनस 2y अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाय डी वाई हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो। इसमें सेम टू सेम फैक्टर मुझे यहाँ बनाना है, राइट, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि यार ये फैक्टर हमारे पास बन जाए, मतलब मुझे यहाँ पे p चाहिए और ऊपर 2y नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, 2y अपॉन p को कॉमन निकाल लेता हूँ, राइट। जब 2y अपॉन p को कॉमन निकालेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1 बाय p, राइट, एंड ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन मैं क्या करता हूँ, माइनस का पी 2y अपॉन p को यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं एंड dp by dy को कॉमन निकालते हैं। तो सुन आप देख रहे हो 2y अपॉन p निकला तो यहाँ 1 अपॉन p बच जाएगा, और चूंकि माइनस भी निकाला तो सुनिए 1 अपॉन p आ जाएगा। एंड आप देखोगे सुन यहाँ पे, जब आप 2y अपॉन p निकालोगे और यहाँ पे p अपॉन 2y, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन
4y2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यहाँ 2y और p अपॉन 2y हो जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें बराबर हमारे पास क्या आएगा, 0। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 1 अपॉन p माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y2, ये हो जाएगा। एंड जब इसको कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2y अपॉन p dp बाय dy इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें ये तो 0 होगा या फिर ये 0 होगा, पर मैं आपको बोला यहाँ पे इसको 0 नहीं रखेंगे, डेरिवेटिव वाले को 0 पुट करेंगे, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसमें ये आएगा 1 माइनस 2yp dp बाय dy इज इक्वल टू 0। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो इसमें यह आएगा हमारे पास 2y बाय p dp बाय dy इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज इसमें यह हो जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन 2y हो जाएगा, राइट। एंड यह 2 को इधर रहने दीजिए, सबसे बेस्ट यह है कि 2 को इधर रहने दीजिए, है ना। तो इसमें मैं 2 इधर रहने देता हूँ, y, एंड इसमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो ये मैंने ले लिया log c। तो इसमें आप देखोगे ये आएगा हमारे पास 2 log p इज इक्वल टू log y प्लस log c हो जाएगा। तो इसमें यहाँ होगा हमारे पास p स्क्वायर इज इक्वल टू yc हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, तो यार p की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इसमें रूट y c हो जाएगा। सो सुनिए, p की वैल्यू रूट y c उठा के वहाँ रखेंगे, तो जब रूट y c उठा के रखूंगा तो सुनिए क्यूब है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई सी की पावर 3/2 हो जाएगा। देन ये आएगा माइनस का 4xy, इसमें ये हो जाएगा रूट वाई सी प्लस 8y2 इज इक्वल टू 0। इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सुन, यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर x आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ। सुन, इसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और आपको बताना है कि यार इसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या होगा। इसमें मैंने बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 2.0 है, मतलब मैं जो अपग्रेडेड टॉपिक्स डाल रहा हूँ वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस मैंने अपलोड करके हुआ, यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ जाके मेरे चैनल को, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं काफ़ी सारा शॉर्ट ट्रिक एंड गेट IIT-JAM CSIR नेट पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।